क्रेडिटर, इसको हम पेबल भी बोल देते हैं। बिल्स पेबल थोड़ा अलग होता है इससे, बस मैं पेबल वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्रेडिटर को अगर देखा जाए तो हम क्रेडिटर को, क्रेडिटर का मतलब देखते हैं। मान लो ये पर्सन है और ये फिर से दुकानदार है हमारा राम, ये शॉपकीपर है। अब ये कहीं ना कहीं से सामान खरीदता है। मान लो ये जो पर्सन है श्याम, ये इसको सामान बेचता है, यानी ये खरीदार है और ये बेचने वाला है। इसको सामान, इसने सामान खरीद लिया 10,000 रुपए का, किससे खरीदा? सेम ऐसे बहुत सारे सेल्समैन इसको सामान बेचते होंगे दिन भर में, जो आता होगा सामान बेचता होगा। तो जब कभी ये सामान खरीदेगा, वो भी पता है कैसे खरीदा है इसने? उधार यानी क्रेडिट पे। कैसे? क्रेडिट पे। तो जब कभी भी कोई भी पर्सन क्रेडिट पे गुड्स को खरीदता है, तो सामने वाले पर्सन का नाम श्याम भले ही है, लेकिन मैं श्याम नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। देखो, ये क्रेडिट है और ये क्या है? क्रेडिटर। दोनों में फर्क है। क्रेडिट का तो मतलब सिर्फ उधार होता है, क्रेडिटर का मतलब जिससे उधार खरीदा है। क्लियर? अब बताओ क्या-क्या ये क्या-क्या, अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो क्रेडिटर क्या-क्या चीजें खरीद सकता है? दो चीजें खरीद सकता है, गुड्स और सर्विस, जैसे कि परचेज में बताया था मैंने, गुड्स को खरीदेगा या सर्विस को खरीदेगा। और मान लो इससे मैंने 10 का खरीदा था, इसे मैं 99 100 रुपये पेमेंट कर दूं, 100 रुपये देने हैं, क्या मैं इसको अब बोलूंगा? बताओ, क्रेडिटर। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन अगर 99 और दे दूं बचे एक, तो अभी भी क्या बोलूंगा? लेकिन अगर 1 रुपये भी दे देता हूं तो क्या बोलूंगा मैं? 1 रुपये भी दे देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? खत्म हो गए ना पैसे, तो अब क्रेडिटर नहीं है। जब तक के सारे पैसे नहीं दे देता तब तक मैं उसको क्रेडिटर बोलूंगा, जब तक सारा पेमेंट नहीं दे देते तब तक उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर बोलेंगे। तो क्रेडिटर का मीनिंग मेरे से कोई पूछे तो सिंपल बोलूंगा, क्रेडिटर का मतलब होता है जब किसी पर्सन को मैं उधार में माल बेच देता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। क्लियर? क्रेडिटर बताओ, जब क्रेडिटर होगा तो इसको पैसे देने हैं या लेने हैं? देने हैं, आज नहीं तो कल देना है। तो देने का मतलब मेरे ऊपर कर्जा है, तो कर्जे को हम इसको बोलेंगे लाइबिलिटी। तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन नाम क्या रहेगा इसका? क्रेडिटर। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से इसका मीनिंग लिखें आप, फिर आगे देखते हैं। अगला डेफिनेशन क्या करना है हमने? क्रेडिटर। अगला डेफिनेशन है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या कहता है? द टर्म क्रेडिटर, क्रेडिटर वर्ड जो है रिप्रेजेंट दोज पर्सन, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और फर्म। बिल्कुल पिछले सेंटेंस जैसा, वहां पे द डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन एंड फर्म, यहाँ पे द क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म। फ्रॉम हूम, जिससे गुड्स हैव बिन परचेज, जिससे गुड्स हैव बिन परचेज, जिससे हमने गुड्स को खरीदा है, या सर्विस प्रोक्यूर्ड, जैसे सर्विस को बेचते हैं तो क्या लगाते हैं? रेंडेड, और सर्विस को खरीदने के लिए लगाते हैं प्रोक्यूर्ड। गुड्स हैव बिन परचेज और सर्विस प्रोक्यूर्ड, किस बेसिस पे करा है? एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, देने बाकी है। यहां तक क्या है? अगर किसी व्यक्ति को, क्रेडिटर क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है या फर्म होता है जिसको हमने, या तो जिससे हमने परचेज सामान किया है या सर्विस को प्रोक्यूर्ड किया है, और उसको अभी तक पेमेंट नहीं दिया। सम मनी स्टिल ओ टू देम, और कुछ पैसे अभी भी उसको देने बाकी है। देम मतलब देने बाकी है। आगे एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ 5,000 आर परचेज फ्रॉम गोविंद, अगर मैं गोविंद से 5,000 रुपए का सामान खरीदूं, किस बेसिस पे? क्रेडिट। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन क्रेडिटर, वो बिजनेस का क्रेडिटर ही बना रहेगा। ऑफ फर्म, सो लॉन्ग एज फुल पेमेंट नॉट मेड टू देम, जब तक के वो सारे के सारे पैसे मैं नहीं दे देता उसको, तब तक मैं उसको किस नाम से जानूंगा? क्रेडिटर के नाम से जानूंगा। क्लियर है ये डेफिनेशन? ठीक है, दो डेफिनेशन हमने देख लिया अभी।
वर्ड क्या लिखा है मैंने, डेटर। वैसे तो जनरली अगर फर्स्ट टाइम कोई पढ़ता है इसको डेबटर पढ़ देता है, इसके अंदर बी मेंशन है इसको क्या पढ़ देता है, डेबटर। लेकिन इसके अंदर बी जो है वो साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, डेटर। बी को हटा दोगे क्या पढ़ेंगे, डेटर। इसको रिसीवेबल बोलते हैं। होता क्या है जनरली डेटर, डेटर का मतलब होता है उधार, उधार माल बेचना, ठीक है। जब सामान उधार, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, व्यक्ति राम जो कि दुकानदार है, जो कि शॉपकीपर है, इसने क्या करा, सामान बेचा ए को, सामान बेचा बी को, सामान बेचा सी को, डी को, ई को, एफ को। तो इसी तरीके से क्या दुकानदार बहुत सारे लोगों को सामान बेचता होगा दिन भर में, इसने क्या करा, इसको नगद में बेचा 100 रुपए का, इसको उधार बेचा क्रेडिट पे 500 रुपए का, इसको भी क्रेडिट पे 400, क्रेडिट पे 300, क्रेडिट पे 200, क्रेडिट पे 100 रुपए, ठीक है। अगर मैं इससे पूछता हूं कि भाई आज आपने कितने का उधार माल बेचा है, तो ये दुकानदार अगर मुझे बोलता है मैंने बी को इतने का बेचा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कितने का सामान उधार बेचा है, लेकिन ये बोल रहा है बी को मैंने इतने का बेचा, सी को मैंने इतने का बेचा, डी को मैंने 300 का बेचा, ई को मैंने 200 का बेचा, एफ को मैंने 100 का बोला, तो मेरे क्वेश्चन का इसने आंसर नहीं दिया। मैंने क्या पूछा, कितने का सामान बेचा है ये बताओ। तो सिंपल से लैंग्वेज में इसका नाम बी सी डी ई एफ कुछ भी हो, सबसे पहले तो उधार माल बेचा मैंने 500, 4, 9, 3, 12 और 2, 14 और 1, 1500, कंसर्न ये करता है। अब ये मुझसे बोलेगा सर मैंने 1500 रुपए का सामान बेच दिया है, लेकिन पता है किसको बेचा है, डेटर को, यानी इसका नाम बी हो चाहे कुछ भी नाम हो उस नाम से लेना देना नहीं है। जिसको मैं सामान बेच दूंगा उधार, उसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा, डेटर के नाम से। उसको किस नाम से बुलाया जाएगा, डेटर। जैसे मैं आपको सामान बेचता हूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, डेटर, ठीक है। अगर आप मुझे सामान बेचते हो उधार, तो आप मुझे क्या बोलोगे, डेटर, ठीक है। अब मान लो इस डेटर ने मुझे 1400 रुपीज पेड कर दिया, क्या सारे पैसे दे दिए, अभी भी कितने लेने हैं, 100 रुपए। अब जिसको कैश में बेचा था उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो चला गया, सिर्फ उधार वाली एंट्री को टोटल किया है, कैश में जो बेचा था वो तो चला गया। अब 15 में से 14 माइनस किए, 100 रुपए लेने अभी भी बाकी है, तो बताओ क्या अभी भी मैं डेटर बोलूंगा, बिल्कुल अभी भी क्या बोलूंगा, डेटर, क्योंकि अभी भी कुछ पैसे लेने बाकी है। मान लो 99 रुपीज मिल गए, क्या अभी भी बाकी है, 1 रुपए, अभी भी क्या मैं उसे डेटर ही बोलूं, बिल्कुल अभी भी डेटर बोलूंगा। जब तक के सारे पैसे मैं ले नहीं लेता किसी से जिसको उधार दिया हुआ है, उस तब तक मैं उसको उसके नाम से ना बुला के किस नाम से बुलाऊंगा, डेटर के नाम से बुलाऊंगा। जिस दिन ये सारे पैसे दे देगा, फिर मेरा और उसका रिश्ता, रिलेशनशिप खत्म, और उसको डेटर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर क्या होता है, जब कभी किसी व्यक्ति को उधार माल या किसी कंपनी को उधार माल कर बेच देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। डेटर बिजनेस के लिए, अब बताओ इसको पैसे लेने हैं या देने हैं, दुकानदार को डेटर से पैसे लेने हैं या देने हैं, लेने हैं, उससे पैसे क्या करने हैं, लेने हैं। तो ये दुकान के लिए माना जाता है हमारा एसेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, एसेट्स, संपत्ति है, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल लेना है, तो मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा, क्लियर है। डेटर एक बार लिखो, डेटर का, अब वो देखो डेटर का डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। डेटर या रिसीवेबल, द टर्म डेटर, डेटर वर्ड का इस्तेमाल, या डेटर वर्ड रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब हम ए बोले, बी बोले, किसी का भी नाम बोलते हैं तो उसको डेटर बोलते हैं। तो डेटर का मतलब कोई ना कोई पर्सन ही है,
उसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेटर, दोज पर्सन उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर फर्म। अगर मैं रिलायंस कंपनी को उधार माल बेचता हूं तो मैं रिलायंस कंपनी को भी क्या बोलूंगा, डेटर ही बोलूंगा। तो वो क्या हो गया, एक कंपनी हो गया। तो किसी व्यक्ति को बेचूं या किसी फर्म को बेचूं, बात वही है। अगला पॉइंट क्या कहता है, टू हूम गुड्स हैव बिन सोल्ड, जिसको हम उधार पे सामान, जिसको हम सामान बेचते हैं, या फिर सर्विस रेंडेड, सर्विस बेचने के वो प्रोवाइडेड वर्ड का भी बोला जाता है, और एक और वर्ड है सर्विस बेचने के लिए रेंडेड, इसका मतलब होता है बेचना, ठीक है। ऑन क्रेडिट बेसिस, कैसे बेचा जाएगा, क्रेडिट बेसिस पे। एंड पेमेंट हैव नॉट बीन रिसीव, और अभी तक मैंने पेमेंट रिसीव किया या नहीं किया, नहीं किया। दोबारा देखते हैं, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, डेटर वर्ड उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको गुड्स मैंने क्या किया हुआ है, बेचा हुआ, या फिर सर्विस प्रोवाइड लिख दो, या सर्विस रेंडेड किस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। और पेमेंट हैव बीन रिसीव किया या नहीं किया, नहीं, नॉट हैव बीन रिसीव फ्रॉम देम। अब इसके आगे क्या सेंटेंस कहता है, दे स्टिल ओ सम अमाउंट, अगर कुछ अभी भी उससे पैसे लेने बाकी है, टू द बिजनेस, बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ 10,000 हैव बिन सोल्ड टू मोहन, अगर मैं 10,000 रुपए का सामान किसको बेच दूं, मोहन को, क्रेडिट पे, ही विल कंटिन्यू रिमेन द डेटर, तब तक वो डेटर बना रहेगा ऑफ द बिजनेस, लॉन्ग एज, लंबे समय तक ही डज नॉट मेक फुल पेमेंट, जब तक के वो सारे पैसे नहीं दे देता, तब तक वो बिजनेस का क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा। क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले डेफिनेशन को देखते हैं।